योगी सरकार उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूल के कार्यरत टीचरों को दिवाली गिफ्ट देने जा रही है। सरकार की ओर से इसका मसौदा तय कर लिया गया है। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को पदोन्नत किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत चुने गए शिक्षकों को भी प्रमोशन का अवसर प्रदान किया जाएगा। यूपी में प्राइमरी टीचर्स के लिए नवंबर का महीना सौगातों वाला होगा। जानकारी के अनुसार प्रमोशन की प्रक्रिया 8 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत चुने गए शिक्षकों को भी प्रमोशन दिया जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि प्रमोशन का फायदा उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 15 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था जिसमें 30 सितंबर 2023 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को भी शामिल करने का आदेश दिया गया था, जिससे अब तक इस रेस में 68,500 भर्ती हुए शिक्षक भी शामिल हो चुके हैं। त्रुटि रहे सीनियर्स की लिस्ट को अपलोड करने का एक प्रमाण पत्र भी BSA को देना होगा। ध्यान देने वाली बात यह कि शिक्षकों की सीनियर्स लिस्ट मानव संपदा पोर्टल पर 24 जुलाई तक अपलोड कर दी गई थी। प्रयागराज के साथ ही कई जिलों में 2009 से नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई थी। शिक्षकों के प्रमोशन का मामला 6 महीने से चर्चा में चल रहा था। इस बारे में पहले भी आदेश जारी हुए थे। शिक्षकों का कहना है कि समय से प्रमोशन न होने से उन्हें हर महीने औसतन 2,500 से 3,000 रुपयों का नुकसान हो रहा है।